Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. Dear friends, as you have already discussed the introduction of tense in our first video, those who are new to here and have not watched my video, go in my description box to find that video link and please watch that video to know more about it and also to like, share and subscribe for more updates. So let's start our video. In this video today, we will discuss on the second part of the introduction of tense, which is form of tenses. तो आज हम discuss करेंगे form of tenses के बारे में, जो introduction of tense के part 2 में आज. Okay, तो before that, हम लोग जो पढ़े हैं previous video में, जो time and verb के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं, ताकि आप लोगों को easy होगा. तो टाइम क्या है कि टाइम जो तीनों टाइम है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टाइम ये जो तीनों टाइम है विद अ वर्ब वर्ब क्या है उसका डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड यहाँ पे मैं लिखा हूँ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड तो ये जो टाइम एंड वर्ब को मिला के क्या होता है कि टेंस क्रिएट होता है तो ये कैसे होता है ओके टाइम और वर्ब को मिल के जो टेंस क्रिएट होता है वो कैसे होता है आज हम डिस्कस करेंगे और टेंस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये क्लास बहुत अच्छा होने वाला है तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हूँ कि आई प्ले ही स्पीक्स दे आर प्लेइंग इन द गार्डन ये जो तीनों सेंटेंस है ओके आई प्ले ही स्पीक्स दे आर प्लेइंग इन द गार्डन तो यहाँ पे जो वर्ब है कौन सा प्ले स्पीक्स एंड प्लेइंग ये क्या कर रहा है कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं कुछ एक्ट कर रही हैं यहाँ पे तो इसी के हिसाब से क्या है वर्ब इज एन एक्शन वर्ड ओके वर्ब इज एन एक्शन वर्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस देखो कि आई प्ले सेकंड में ही स्पीक्स एंड थर्ड में दे आर प्लेइंग इन द गार्डन जो प्ले है स्पीक है और प्लेइंग ये क्या कर रहे हैं वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं तो इसी के हिसाब से वो कुछ एक्ट कर रहे हैं ओके तो इसीलिए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड ओके आप लोग को पता चल चुका होगा वर्ब इज एन एक्शन वर्ड तो अभी देखते हैं कि टाइम एंड वर्ब को मिला के वो टेंस कैसे क्रिएट होता है ओके सो यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल लिखा हूँ लुक एट हियर टाइम एंड वर्ब उसके बाद कुछ एग्जांपल है लुक एट हियर द फर्स्ट एग्जांपल है आई राइट ए लेटर सेकंड वन इज़ आई रोट ए लेटर एंड थर्ड वन इज़ आई शल राइट ए लेटर यहाँ पे जो तीनों ठो एग्जांपल है ओके द फर्स्ट वन आई राइट ए लेटर द सेकंड वन दैट इज़ योर आई रोट ए लेटर एंड द फाइनल वन आई शल राइट ए लेटर यहाँ पे देखो कि जो आई राइट ए लेटर यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो राइट क्या कर रहा है कि रिफर्स कर रहा है प्रेजेंट टाइम के बारे में वो रिफर्स कर रहा है यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ कि प्रेजेंट टाइम के बारे में रिफर्स कर रहा है ओके तो यहाँ पे रोट जो वर्ब वर्ड है वो रिफर्स टू द पास्ट टाइम एंड शल राइट इन द थर्ड सेंटेंस यू विल फाइंड रिफर्स टू द फ्यूचर टाइम सो अकॉर्डिंग टू दैट वन अकॉर्डिंग टू द टाइम सो लेट्स कम वन सेकेंड टू द फर्स्ट सेंटेंस दैट वन इज आई राइट ए लेटर हियर द वर्ब refers to present time is said to be in the present tense in the second line or second sentence you will find the verbs that refers to past time is said to be in the past tense and the second and the final one that one is I shall write a letter here shall write which that refers to future time is said to be in the future tense so hame pata chal chuka hai ki tense kya hai okay already we know that one टेंस क्या है कि वर्ब और टाइम को जो मिला के जो टेंस क्रिएट होता है वो अभी पता चल चुका है तो और भी कुछ जान लेते हैं टेंस के बारे में तो हम आज देखेंगे एस्पेक्ट्स एंड फॉर्म के बारे में ओके जो टेंस के एस्पेक्ट्स एंड फॉर्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ओके तो एस्पेक्ट्स क्या होता है कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ देखो लुक एट हियर ऑलरेडी रिटन कि एस्पेक्ट्स इंडिकेट्स वेदर एन एक्शन इज कम्प्लीट और इन प्रोग्रेस कि एक कार्य कम्प्लीट हुआ है या अभी चल रहा है वो इसी के बारे में वो इंडिकेट्स कर रहा है ओके तो एक्सपेक्ट्स इंडिकेट्स एन एक्शन इज कम्प्लीट और इन प्रोग्रेस तो इंग्लिश में दो ठो एक्सपेक्ट्स है वो है फर्स्ट वन ऑलरेडी रिटन देयर लुक एट
द फर्स्ट वन इज़ योर द परफेक्ट एस्पेक्ट्स, यहाँ पे देखो द फर्स्ट वन दैट इज़ द परफेक्ट एस्पेक्ट और सेकेंड वन दैट इज़ द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, ये दोनों ठो है टेंस में, ये दोनों ठो एस्पेक्ट्स हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि आई हैव कॉम्प्लीटेड द वर्क, आई हैव कॉम्प्लीटेड द वर्क, ओके इट्स मीन्स द वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन कॉम्प्लीटेड, ओके एंड द सेकेंड वन लुक एट देयर, आई एम राइटिंग लेटर, द एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, ओके द एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सो इन द टेंस, इंग्लिश टेंस, यू विल फाइंड टू एस्पेक्ट्स, ओके व्हाट आर दिस, दीज आर द परफेक्ट एस्पेक्ट्स एंड अनदर वन इज द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, ये दोनों तो एस्पेक्ट होता है। तो पता चल चुका है आप लोगों को, तो चलो फिर से हम डिस्कस करेंगे और एक चीज़ के बारे में, टेंस के बारे में, टेंस के फॉर्म्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ओके फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेंस में क्या होता है कि चार ठो फॉर्म्स होता है, ओके टेंस में चार ठो फॉर्म्स होता है, वो फर्स्ट वन ऑलरेडी रिटन देयर, द फर्स्ट वन इज सिंपल, सेकेंड वन इज प्रोग्रेसिव एंड थर्ड वन इज परफेक्ट, फोर्थ वन इज योर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये जो चार ठो जो फॉर्म्स है, ये चार ठो फॉर्म्स के हिसाब से जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर वन, ये तीनों ठो टेंस में यूज होके वो ऑलमोस्ट 12, ओके 12 ठो फॉर्म क्रिएट होता है, ओके 12 ठो फॉर्म क्रिएट होता है। सो ईच टेंस है फोर डिफरेंट फॉर्म्स, सो लेट्स सी इन द प्रेजेंट टेंस यू विल फाइंड द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सेकेंड वन इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, द थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। सो लाइकवाइज इन द पास्ट टेंस यू विल फाइंड द फर्स्ट वन इज योर सिंपल पास्ट, द सेकेंड वन इज पास्ट प्रोग्रेसिव, थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट, फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एंड ऑल्सो इन द फ्यूचर टेंस यू विल फाइंड द फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर एंड सेकेंड वन इज फ्यूचर प्रोग्रेसिव, थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज योर फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं इतना तक। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस के बारे में, उसका एस्पेक्ट्स फॉर्म्स के बारे में। तो आज का क्लास अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हो आप। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।